चलिए जुड़ गए बच्चों, क्या हाल है सबके। और मैं आपका अपना दोस्त, मेंटर, आपका सहयोगी, आपका मार्गदर्शक, और मैं कहूँगा सच्चा मार्गदर्शक, बिकॉज मैं हमेशा लॉजिकल चीज़ें कराता हूँ। मैं ज़्यादा हार्ड थिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ हमेशा उन चीज़ों पर जिनको हम आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। बिकॉज SSC की डिमांड क्या है, चीज़ों को जल्दी बनाइए, समय भरपूर है हमारे पास मेंस में। यदि मैं प्री की बात करूँ तो प्री में फिर भी चलो मैं मान गया वही वाला हमारा पैटर्न है सेम। बट यदि बच्चों हम मेंस की बात करें ना, देखो मैं एक थ्योरी पे चलता हूँ, एक तैयारी करो, सारे एग्जाम निकाल लो। मतलब क्या इस बात का, कि यदि आप कॉन्फिडेंटली एक बार अच्छे से मेरे साथ, अभिपीडिया के माइक्रोवर्स के साथ अगर आप तैयारी शुरू करें, तो मैं वादा करता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर आपके हाथ में एक रिस्पेक्टिव जॉब होगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। प्लीज ज़्यादा जल्दी, अच्छा जल्दी हो रही, तो प्लीज टू अवेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बट अभी नहीं, लेक्चर का मज़ा उठाइए, पूरे तरीके से इंजॉय कीजिए लेक्चर को, उसके बाद बच्चों मैं कहीं जाके आपसे कुछ बात करूँगा। और दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस का हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जैसे कई बार बच्चे मैसेज करते हैं, अभी इंटरव्यूज़ भी आएंगे आपके सामने, हम बात करेंगे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑलरेडी, उनसे थोड़े दिनों में बातचीत भी शुरू होगी, क्लियर है। बट अभी नहीं, थोड़े समय के बाद, ठीक है, पहले फोकस कर लें। तो उनमें क्या है, जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के बड़ा टिपिकल टॉपिक समझते हैं। देखो दो तीन चीज़ें ही इसमें हैं जो डिस्कशन करने के लायक हैं। सबसे पहली बात, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। बस आपको ये अगर चार चीज़ें अच्छी तरह से निकालनी आती है ना, बस आप कुछ भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज आज के जो क्वेश्चन है थोड़े टेढ़े क्वेश्चन है, वो है ना टेढ़ा है पर मेरा है, ये बस वो वाला कॉन्सेप्ट है। और एक से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वेरिएबल लेके भी कराऊंगा, नॉन वेरिएबल से भी बताऊंगा क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, क्लियर है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड पार्ट विच यू हैव टू फोकस ऑन दिस, ओके। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माइक्रोवर्स एक ऐसी चीज़ है, मैं पूरा कोर्स नहीं, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट कोर्स, माइक्रोवर्स का मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट्स पे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर बनता है मेरा, ठीक है। एक एक बूंद से सागर बन रहा है, अगर एक एक बूंद घटाई जाए तो सागर भी खाली हो सकता है, अगर करने वाला आए तो, समझ रहे हो। बट हमें इतना नहीं करना, हमें सिर्फ एक बढ़िया रिस्पेक्टिव जॉब लेनी है, कंधों पे सितारे चाहिए हमें तो, क्लियर है। वो आएंगे कैसे, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका सहयोगी, आपका मार्गदर्शक, आपको बताऊंगा कि वो कैसे आएंगे। बट थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में, एकदम से चपाती नहीं बनती, सब्जी रोटी एकदम से बड़े नहीं होते, वो वाली बात है, एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता, बस उस धीरे धीरे को ही स्पीड अप करेंगे बाद में। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आज के। चलिए, बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आई है कि सर इसको हम धीरे धीरे कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मैट इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। मतलब वो क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ध्यान रखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डरना नहीं है। वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, फाइंड द रेशो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कॉस्ट प्राइस। मतलब डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का मुझे रेशो निकालना है। देखो पहले स्टेटमेंट क्या दिया, मुझे ध्यान से देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मैट इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्स, मतलब क्या है इस बात का, पहले तो समझो। उसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस है ना जो 5 टाइम्स है डिस्काउंट का, जैसे कि अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट, वो कितना है 5/1। छोटी छोटी चीजें इनको समझते चलिए, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत तकड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई आसान क्वेश्चनों में से नहीं बोलूंगा, इसमें काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। सबसे पहले एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक होता है सेलिंग प्राइस, फिर होता है आपका डिस्काउंट, ठीक है, और एक मेरे पास इसके पहले क्या होता है MRP, और MRP में डिस्काउंट लग के मेरे पास क्या बनता है सेलिंग प्राइस, ये अच्छे से आप लोगों को पता है, क्लियर। अगली बात देखो जरा प्लीज, और दूसरी बात पता क्या, मुझे एक चीज़ से बड़ी इंटरेस्ट है, बच्चे स्किप कर देते हैं, क्यों यार, देखो वीडियो को, आप सीखने के लिए आए हो कुछ, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ एक एक वर्ड की वैल्यू है, आपका टाइम लग रहा है उसमें, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है मेरे कॉस्ट प्राइस, फिर होता है MRP, फिर यहाँ से क्या आता है सेलिंग प्राइस, और यहाँ लगता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हुआ मेरा, MRP माइनस सेलिंग प्राइस, यस और नो। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ मेरा, 5 टाइम्स ऑफ
एमआरपी माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। क्लियर आगे बात, ये एक छोटी सी बात है जो मुझे समझनी है। क्लियर है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ मेरे पास, 5 टाइम्स ऑफ एमआरपी माइनस 5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसको इधर लेके आओ, एसपी प्लस 5 एसपी इज इक्वल टू 5 ऑफ एमआरपी। क्लियर है, अब यहाँ से मेरे पास किसका है, 6 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस कितना है मेरे पास, 5/6। क्लियर आ गई बात, क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्लियर है कि सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशो कितना आ गया, 5/6 या 5:6। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, पहले तो समझो जरा, या अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि एमआरपी इज इक्वल टू 5/6, इट्स 6/5, वैसे भी तो चलेगा। तो अगर वो कह रहे हैं परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सो लेट मी डिस्क्राइब दीज टू थिंग्स, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखो परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा मेरे पास, डिस्काउंट का मेरे पास एमआरपी माइनस एसपी अपॉन, भाई किस पे होगा डिस्काउंट परसेंटेज, जब मैं देखूंगा मैं किस पे देखूंगा बताओ मुझे जरा। हाँ जी, एमआरपी पे। क्लियर, इनटू 100% प्रॉफिट क्या होगा मेरा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सेम बी टू 100%। क्लियर, तो सबसे पहले तो ये काट दो। क्लियर है, सो एमआरपी कितना है मेरा, एमआरपी है 5/6 ऑफ एसपी माइनस ऑफ एसपी 6/5, नॉट 5/6। ओके चलिए देखें जरा इसको बढ़िया से, चलिए देखो जरा, अगर मैं यहां पे एमआरपी पुट करूं, एमआरपी 6/5 एसपी माइनस ऑफ एसपी अपॉन एमआरपी इज हाउ मच, 6/5 एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू, सॉरी 100 तो चलो घट ही चुका है, ठीक है इसे ही काट दी। तो देखो एसपी यहाँ भी, एसपी यहाँ भी, एसपी यहाँ भी, तो ये अल्टीमेटली कितना बचा मेरे पास, 6/5 - 1 अपॉन 6/5। इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, तो ये कितना बचा, 1/5 अपॉन 6/5, 5 से कटा, 1/6 इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। क्लियर, ये मेरे पास बच गया, होपफुली ये आपने कर ही लिया होगा। मैं इसको जरा मिटा दूँ, बस मैं ये नीचे वाला रहने दूंगा, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम, कुछ चीज़ों को समय लगता है, फल के वृक्ष लगने में समय लगता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता, तो फल लगेगा बट टाइमली। क्लियर है, देखो ये कितना बचा मेरे पास, तो सी पी इज इक्वल टू 6 ऑफ एस पी माइनस ऑफ सी पी। तो ये कितना बना, सी पी इज इक्वल टू 6 एस पी माइनस ऑफ 6 सी पी, तो 7 सी पी इज इक्वल टू 6 एस पी, तो सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 6/7 आया, सी पी अपॉन एस पी इज 6/7। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सी पी एस पी का रेशो और एस पी एम आर पी का रेशो, बस यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, काफ़ी भारी भरकम प्रश्नों में से ये है भी है, बट बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो ये होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। तो आराम से काम किया करो हमेशा, बिल्कुल साइलेंट वे में, ठीक है, कि आपकी कोशिशें जारी रहनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। क्लियर है, शांत रहो हमेशा। देखो
सीपी रेशो एसपी कितना दिया है, सीपी रेशो एसपी निकला मेरे पास 6:7। अब तो ये तो रेशो प्रोपोर्शन का अपने पास आ गया कॉन्सेप्ट, एसपी एमआरपी। अगर एसपी 5 है तो एमआरपी कितना है, ठीक क्लियर। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रेशो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू कॉस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट रेशो कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं इसको, देखो कितना है। अगर ये 7 हुआ और ये कितना 5, तो कॉस्ट प्राइस 30 हुआ, एसपी 35 और एमआरपी कितना 42। तो भाई डिस्काउंट कितना हुआ, अगर एमआरपी अगर 42 था तो 42 में से 7 गया जब भी 35 आया होगा, तो डिस्काउंट कितना आ गया अपना 7 और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 30। तो बिल्कुल मैंने शुरू में भी लेक्चर के आपको ये बात बताई थी कि अगर आप बेसिक्स पे चलोगे ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्लीज़। करिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो 7:30 वाई माई वॉज माई राइट आंसर। देखो अ पर्सन सोल्ड टू कार्स सॉरी काउस ईच फॉर 9900, इफ ही गेन 10% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो साफ सी बात, रेशो को लगाने से पहले ना सोचो कि क्या ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर रिलेवेंट है, उसके बिना भी ये प्रश्न आसानी से हो सकता है। देखो अगर उसने बोला फोर काउ वन, अगर मैं सी पी रेशो एस पी की बात करूँ वो कितनी होगी भाई 10:11। अगर मैं सी पी और एस पी की बात करूँ वो कितनी होगी मेरे पास 10:11। 10:11 का मतलब क्या, 11 मेरे पास क्या है ईच, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 11 की वैल्यू कितनी दी मुझे 9900, कितने गुना भाई 900 गुना। तो क्यों ना मैं कॉस्ट प्राइस को भी 900 गुना कर दूँ, और जो मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट काउ है वो कितना आ गया, बिकॉज मेरे पास दोनों का सेलिंग प्राइस तो है बट कंपेयर क्यों नहीं कर सकता मैं, बिकॉज मुझे एक्चुअल डाटा में दिया। रेशो में बेसिकली जब यूज़ करते हो तो परसेंटेज की बात की होती है मेरे पास, क्लियर कि परसेंटेज में बताइए कब बता सो वहाँ से भी सकते हो, बट वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा वास्ट हो सकती है, ज़्यादा भयानक हो सकती है हमारे लिए, तो क्यों रिस्क लेना फालतू में, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ और फोर सेकंड का हो 20% यानी सीपी रेशो एसपी कितना है, सीपी रेशो एसपी कितना है अपना 20% का मतलब कितना 1/5, यानी अगर 5 था तो कितना हो गया 4 की वैल्यू कितनी है 9900, तो फटाफट 5 की वैल्यू बताओ। अगर 4 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू बताओ, जल्दी से बता दो भाई, अब सारी चीज़ें मैं ही बताई जाऊँ, कितने टाइम्स आएगा ये। देखो अगर मुझे 9900 को 4 से डिवाइड करना है, पहले आधा कर दो इसको, कितना आ गया 4950, 4950 का आधा कर दो कितना आ गया 2475, तो कितना आ गया 24, तो भाई इसको भी 2475 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, बताओ ज़रा कितना आ रहा है। अब मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे मैं देखना चाहूँगा इंटरेस्टिंगली, पहले आप बताइए कितना आएगा आपको मल्टीप्लाई करके, फिर मैं आपसे कुछ बात करूँगा प्लीज़। देखो अगर मेरे पास क्या होता 5×25 होता, 25×125 यानी 12500, अब ये नंबर 125 से 25 से कितना छोटा 25, तो माइनस क्या कर दो 25×5 यानी 12500 माइनस 25, तो 12375, सो 1 2 3 5। ये क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूँ अब बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो मुझे क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिकॉज देखो गेन तो हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है बट नंबर्स में नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो, पहले का कॉस्ट प्राइस कितना 9000, दूसरे कॉस्ट प्राइस कितना है 1 2 3 7 5, सो 21375 के आ गया मेरे पास, दोनों का कॉस्ट प्राइस आ चुका है बच्चों 21375। अगर मैं दोनों के सेलिंग प्राइस की बात करूं सो 2900 भाई, एक ही कैलकुलेशन हाथ से कराऊंगा। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता यार किस लेवल का बच्चा बैठा हुआ है,
और किसने किसने देखना है, ठीक है, 1980, क्लियर। बस ये माइनस कर दो आंसर है, तो आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस, क्लियर है। क्योंकि देखो मैं यार हमेशा से ये मानता हूँ, टारगेट करने लायक वो बच्चा है, सीखना उसे ज़रूरी है जो धीरे है। अगर मैं ऑलरेडी सीखे सिखाए बच्चे को सोचूं सिखाना है, क्या सिखाऊंगा उसे, समझ रहे हो, उसे दो चार मेथड ऑलरेडी बताऊंगे तो भैया क्या। तो सीखने की ललक सब में होनी चाहिए, और डेफिनेटली इस मेथड से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्लियर है। तो कमेंट में बताइएगा इनको माइनस करके कितना आया मेरे पास, ठीक है, ऐसा मुझे दिख ही रहा है साफ साफ। चलिए नेक्स्ट पे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, करो। स्वीट सेलर सेल्स 3/5 पार्ट ऑफ स्वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5%, द टोटल नेट प्रॉफिट इज ₹1500, देन वट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ स्वीट्स, बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ स्वीट्स कितना आएगा मेरे पास, कि जो मेरे पास स्वीट्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी है टोटल। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से SSC को बड़ा प्यार है, खासकर अगर मैं बात करूँ CGL के समय से बहुत प्यार है, किसी भी शिफ्ट में, किसी भी पेपर में, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो आपका MTS हो, किसी भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ स्वीट सेलर सेल्स 3/5 ऑफ द पार्ट ऑफ स्वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग अलर लॉस ऑफ 5%, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1500 देन वट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ स्वीट्स। देखो मैं हमेशा से ही मानता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को, आपने पहले भी अगर मेरी PVOQ सीरीज देखी होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा मैं कैसे करवाने वाला हूँ, कैसे करवाने वाला हूँ, बताओ जरा। हाँ भैया, अच्छा क्या बात करो, नहीं यार पता नहीं है, अच्छा आपको पता है, यार ऐसे तो मत करो यार, आधों को पता आधों को पता नहीं, ऐसे कैसे, मतलब जिनको नहीं पता उन्होंने पिछली वीडियोस देखी नहीं है। अच्छा माइक्रो कोर्स का जानना है, अरे बता दूंगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो, माइक्रो कोर्स है, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, मैं पर टॉपिक की बात करूंगा तो वो माइक्रो कोर्स होता है, वो अंत में बताऊंगा आपको, अभी जिज्ञासा को क्यूरियोसिटी को थोड़ा साइलेंट मोड पे रखो, ठीक है। देखो अ स्वीट सेलर, देखो मैंने माना 3/5 अगर एक है तो मैंने माना टोटल स्वीट्स, मैंने मान ली कि मेरे पास ना 50 है, और एक स्वीट ₹1 की, तो 50 स्वीट्स कितनी हुई भाई, सिंपल लॉजिकल, कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी इसके सिवा क्वेश्चन के साथ, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्लियर आगे बात। नेक्स्ट देखो, अ स्वीट सेलर सेल्स 3/5 ऑफ द पार्ट ऑफ स्वीट एट 10% प्रॉफिट। देखो इसका 3/5 निकालो, इसका 3/5 कितना हुआ भाई, 30 हुआ डेफिनेटली। अगर ₹30 की चीज को 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए तो डेफिनेटली ₹33 की बिकेगी, हाँ जी ₹33 की बिकेगी, नहीं बिकेगी डेफिनेटली। अगर 50 में से 30 गए तो कितने बचे, इसका 2/5, इसका 2/5 कितना हो गया 20, क्लियर। इफ टोटल प्रॉफिट इज 1500 बट इसको किस पे बेच रहे हैं, 5% के लॉस पे, इसका 5% कितना होगा, 20 × 5/100, 20×50 और ये गया एक, तो -1, तो ये कितना हुआ 19। तो अगर अब इन दोनों को जोड़ूं मैं, यहाँ से दूसरे से मुझे ₹1900 मिल रहे हैं और पहले से मुझे ₹33 मिल रहे हैं, तो टोटल कितने रुपये मिल रहे हैं मुझे, भैया ₹52 मिल रहे हैं मेरे को, क्लियर है। बट अगर क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, ₹2 का, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का प्रॉफिट है, 1500 का, कितने गुना, 750 गुना, तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर है वो भी कितने टाइम्स होगा, 750 गुना, आंसर इज 375 00। बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, पता नहीं क्या क्या तिकड़म बना दे, बट कितना सरल प्रश्न हो गया मेरे यानी सन्नी सर के साथ, कहाँ पे आपके अपने अभी PDF पे, क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बड़े बच्चों, चलो भाई आसान सा क्वेश्चन है, करके दिखाओ मुझे। मेरी टीम बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बड़े क्वेश्चन ला पे ढूंढ के। अच्छा चश्मा बढ़िया लग रहा ना भाई, है ना, अरे बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त उन्होंने बनवाया, कहते भाई ये वाला चश्मा बनवा ले, बढ़िया लगेगा तेरे ऊपर, है चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कार मर्चेंट परचेस्ड फोर ओल्ड कार्स फॉर 1 lakh rupees, मतलब चार कार कितने खरीदी 1 lakh rupees की, ही स्पेंड्स टोटल 2 lakh इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयर फॉर दीज फोर कार्स, क्लियर है। तो उसने क्या किया,
चारों की चारों कार 1 लाख की खरीदी हैं, मतलब उसने ईच नहीं बोला, तो चारों कार का जो मेरे पास वैल्यू 1 लाख रुपये, उसने 2 लाख रुपये मेंटेनेंस पे लगा दिए। भैया जितने खरीदे नहीं, भाई क्यों खरीदी ऐसी कार, चलो खरीद ली, अच्छा खरीद ली क्वेश्चन बनाने के, अरे भैया क्वेश्चन बनाने के लिए बंदे ने 3 लाख रुपये लगा दिए, देख रहे हो हैं, चलो 3 लाख का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है ना, तो 3 लाख का क्वेश्चन है, चलो। एंड रिपेयर ऑफ दीज कार्स, वट इज़ द एवरेज सेल प्राइस ऑफ दीज 3 कार्स टू गेट, ओ सॉरी रेस्ट 3 कार्स टू गेट 50% प्रॉफिट, 3 कार्स, अच्छा देखें जरा क्वेश्चन में आगे क्या दिया, टोटल प्रॉफिट इफ ही हैज़ ऑलरेडी सोल्ड वन ऑफ द 4 कार्स इन 1.2 लाख। ओके, देखो सबसे पहली बात भैया उसने क्या किया, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट, अगर मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हुई मेरे पास, 1 लाख प्लस 2 लाख, यानी कितनी होगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट 3 लाख होगी मेरे पास, क्लियर। अब वो कह रहा है कि भाई इस पे पहले 50% का प्रॉफिट लगाओ, तो इसका 50% 1.5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 4.5 लाख हो गया, यानी मुझे जो टोटल पैसा चाहिए आफ्टर स्पेंडिंग 3 लाख, वो मेरे पास आ गया अब 4.5 लाख रुपए, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कार, देखो चार में से एक कार कितने की बेची, 1.2 लाख, यानी इसमें से 1.2 घटा दो तो कितना बचा, 3.3 लाख, ठीक है। अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है, मतलब रिमेनिंग 3 कार के लिए कितने पैसे बचे हैं, 3.3 लाख, तो 3 कार के लिए कितने बचे, 3.3 लाख, तो एक कार के लिए कितना बचा, 1.4, यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा हुआ था, क्लियर है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पहले धीरे पढ़ेंगे भाई, अच्छा पढ़ेंगे और ज़बरदस्त पढ़ेंगे, ठीक है, चलो चलो भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है, करी जरा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, सेलर यूजेस 840 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg टू सेल हिट गुड्स। इसका मतलब क्या है, देखो सीधा सा फंडा है कि भैया अगर वो 1000 ग्राम दे रहा है ना, तो मैंने मान लिया वो 1000 रुपये का, 1000 ग्राम जो कितने का भैया, 1000 रुपये का, क्लियर है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन ही सेल हिज आर्टिकल ऑन 4% लॉस ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो बहुत चर्चित प्रश्नों में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी पेपर में, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो अ सेलर यूजेज 840 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg टू सेल हिज गुड्स। इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाई वो आपसे क्या बोल रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो क्वांटिटी में दे रहा हूँ ये 1 किलोग्राम है, यानी कितने रुपए की, 1000 रुपए की। बट एक्चुअली में क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने थोड़ी की घपलेबाजी आपसे, उसने क्या की घपलेबाजी, वो कह रहा है मैं 1000 ग्राम नहीं दे रहा आपको, तो 1000 ग्राम बोल दिया, बट उसको तो पता ना वो कितना दे रहा है, 840 ग्राम। इसका मतलब आपको 1000 रुपए में, आपको 1000 रुपए की चीज़ कितनी, आपको 840 की चीज़ कितनी पड़ रही है, आपको तो बताया गया 1000 ग्राम, बट चीज़ कितने की दे रहा है वो, मतलब आपको कितने की चीज़ मिली 840 की, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। बट अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेल हिज आर्टिकल ऑन 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1000 था, मतलब 4% का उसने कितने का, 960। इसका मतलब आपसे कितने पैसे लिए उसने भाई, 840, और आप सॉरी आपसे लिए 960 और सामान कितने का दिया भाई, 840 का, समझ आई बात, मतलब 960 रुपये लेके कितने का सामान, आपको दिया 840 का, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया उसमें, 120 का प्रॉफिट, कितने पे, 840 गुना 100%, तो 1/7, 100/7 कितना हो गया अपने पास, 14.27% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर। सो अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ फटाफट, चलो भाई करो जरा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टन ऑब्जेक्ट डबल्स देन द लॉस गेट्स ट्रिपल ऑफ व्हाट इट वाज इनिशियली, द इनिशियल लॉस परसेंटेज वाज, करिए जरा क्वेश्चन। देखो सबसे सिंपल बात यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पहले चाहिए मुझे रेशो, क्लियर है, क्या चाहिए, रेशो। देखो
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टन ऑब्जेक्ट डबल्स, इसका मतलब उसने कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, डबल। ठीक है, मतलब सबसे पहले कुछ मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, कुछ मेरे पास सेलिंग प्राइस है, अभी अपने को कुछ नहीं पता भाई, कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट डबल द लॉस गेट ट्रिपल, इसका मतलब दोनों केसेस में लॉस हो रहा है मेरे पास, यानी अगर यहां से मैं लॉस निकालू, लॉस मेरे पास होता क्या बच्चों, क्या होता जल्दी बताओ, यस 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 यस, वेरी गुड बेटा, लॉस होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, लॉस क्या होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, क्लियर है। वो कह रहा है अगर मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया, यानी अब मेरे पास ये सीपी था तो क्या हो गया, टू सीपी, सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसको एसपी लिख दिया मैंने, समझ आ गई बात, सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसको मैंने क्या लिखा, एसपी। तो यहां पे लॉस कितना है, टू सीपी माइनस ऑफ एसपी, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, लॉस वन लॉस टू, यानी टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी माइनस एसपी इक्वल टू कितना, थ्री अपॉन वन, करो जरा कॉस मल्टीप्लाई, टू सी पी माइनस ऑफ और एस पी इक्वल टू थ्री सी पी माइनस थ्री एस पी, तो ये कितना हो गया मेरे पास, टू सी पी माइनस सी पी इक्वल टू माइनस थ्री एस पी प्लस एस पी, तो ये कितना हुआ, माइनस थ्री सी पी सॉरी, तो माइनस सी पी इक्वल टू माइनस ऑफ टू एस पी, माइनस से माइनस कटा तो सी पी अपन एस पी कितना हो गया अपने पास, टू अपॉन वन, तो कितना आ गया, सी पी अगर दो था एस पी अगर एक था तो क्या हो गया भाई, एक का लॉस कितने पे, दो पे गुना 100%, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 50%, ऑप्शन नंबर डी। मज़ा आया कुछ, देखो करवाने को फटाफट सेकंडों में मैं करवा भी दूँ, बट लॉजिकल चीज़ें समझने का ना अपना ही मज़ा है, वो कहते हैं ना स्वाद आना चाहिए पढ़ने में, पढ़ाने में, बस वो वाली बात है, तो इंजॉय करो प्लीज़। अभी तक मैंने बोला बट अगर लेक्चर अच्छा लगे बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए चलो भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसको मैं बताऊंगा सॉल्व किया कैसे गया, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट एंड हाउ एंड व्हाई वी आर सॉल्विंग बाय अबीपीडिया मेथड, इसको मैं अबीपीडिया मेथड से करूंगा या एलिगेशन भी बोल सकते हैं, फॉर एलिगेशन एंड ए फॉर अबीपीडिया, करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज सेइंग अ मर्चेंट बायस टू आइटम्स फॉर 7500, मतलब दो आइटम्स को 7500 पे मैंने लिया है, वन आइटम ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% 16% एंड अदर आइटम फॉर 14%, पहले को 16% पे दूसरे को 14% पे, इन द डील द मर्चेंट मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट और नाइदर एनी लॉस, मतलब ये क्वेश्चन है बेटा मेरा जो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कंडीशन का है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, अब सुनो जरा ध्यान से कान लगा के क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अ मर्चेंट बाइस टू आइटम्स फॉर 7500, मतलब मुझे क्या दिए, देखो बेसिकली जर्नली इस क्वेश्चन को किया कैसे जाना है मैं बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअली में कैसे करना। देखो अगर मैंने माना एक का प्राइस भी है तो दूसरे का प्राइस कितना हुआ 7500 भी, दैट्स इट। वन आइटम ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% कि इसको मैंने 16% के प्रॉफिट पे बेचा और इसको मैंने 14% के लॉस पे बेचा, क्लियर है। और जो मेरा सी पी है वो किसके बराबर है, एस पी के बराबर है, नाइदर लॉस। अगर वेरिएबल लेके नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं करना, मैं कह रहा हूँ मत करो, क्योंकि पी सी लेके ना यार एक्स वाई जेड लेके कुछ नहीं मिलना, वो परेशान करेंगे आपको आगे भी जाके, क्लियर है। क्योंकि वेरिएबल वाली थिंकिंग ना जो बुक्स में ली गई जो मेथड्स दिए हुए हैं बड़े आउटडेटेड से मेथड है, इस मेथड से आपने नहीं करना, कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं होगा, कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं होगा बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें इस तरह के प्रश्नों को हमेशा करना होता है, क्लियर। अब देखो आपने करना क्या है, बेसिकली देखिए अगर मैं बात करूँ, पहले को 16% के प्रॉफिट पे बेचा है, ए को मैंने मान लिया, बी को किस पे बेचा है 14% के लॉस पे, यहाँ मैं लगा रहा हूँ ए फॉर एलिगेशन, ठीक है, क्लियर आगे बात। एलिगेशन में होता क्या, देखो प्रॉफिट क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। सो इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो 14% आ गया, 0 माइनस ऑफ माइनस 14 इज, देखो मैं अगर बताऊँ बड़े में से छोटे को माइनस करना होता अपने क्रॉस में जब जाएंगे ऐसे करके, 14 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, तो ये कितना आ गया भाई 7:8, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया, ध्यान रखिएगा ये किसका रेशो है मेरे पास,
कॉस्ट प्राइस का, तो मैं क्या बोलूंगा 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7500, 1 की वैल्यू कितनी है 500, 7 की वैल्यू कितनी है 35, 8 की वैल्यू कितनी है 4000। यहां से मेरा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकल चुका, बचा ही कुछ नहीं क्वेश्चन में, समझा की बात। क्योंकि अगर मैं वो पी लगा के वेरिएबल लेके करता हूँ, डेढ़ पेज की तो इक्वेशन बन जानी एक पेज की, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं पेपर में कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, एलिगेशन लगाए पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो। अब वो क्या कह रहे हैं, इन द टोटल डील द मर्चेंट मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब क्या करना है भाई, 3500 को कितना निकाल दो 16%, और 4000 का कितना निकाल दो 14%। जल्दी से निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है, जल्दी से निकालिए और बताइए मुझे ये कितना आ रहा है फटाफट। मुझे बताना क्या, इनका डिफरेंस बताना है मुझे एक्चुअली में, और सॉरी 16 नहीं 116%, और ये क्या आएगा 86, क्योंकि लॉस है ना बेटा, ये आएगा 86%, 14% नहीं 86%, चलो 86%, इसको ठीक से लिख दिया जाए क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना, तो मैं तो कुछ और लेके चला गया था 116। ठीक है, तो ये कितना हुआ, इनका डिफरेंस है ये मुझे, तो 35/100 × 116 माइनस 4 × 4000 × 86 नॉट 80, तो भाई ये कितना हुआ 40 × 86 माइनस ऑफ 3500, यानी 35 × चलो जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। 135, 116, ये कितना आ गया मेरे पास 4060। आठ छक्के 48, 6 चौका 24, सॉरी 8 चौके 32, 8 छक्के 48, 8 चौके 32 और 6 चौका 24, तो ये कितना आ गया 3440 माइनस 20 आता दिख रहा है मेरे पास, 620 आ रहा है। वैसे देखो अगर यूनिट डिजिट से भी आप करोगे, यूनिट डिजिट से भी अगर आपने करना है तो कैसे करना है, अगर मैं 6 को 5 से गुना करता हूँ तो एंड में 0 आएगा, यहाँ भी 0 है तो डेफिनेटली 0 ही आएगा मेरे पास एंड में, तो आंसर 620 इज द राइट आंसर, क्लियर। सो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए, अ वुमेन गोज टू मार्केट विद ₹500 टू बाय ऑरेंजेस, ही द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस हैज बीन डिक्रीज टू 10% सो दैट ही कुड बाय 2 kg मोर विद अमाउंट शी हैड, वट वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस। करिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ वुमेन गोज टू मार्केट विद 500 टू बाय ऑरेंजेस एट द प्राइस ऑफ डिक्रीज बाय 10%। देखो अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस कितना हो गया मेरे पास ओरिजिनल और फाइनल, 10% का मतलब क्या है मेरे पास 1/10, यानी अगर प्राइस 10 था वो कितना हो गया मेरे पास 9, क्लियर है। सो दैट ही कुड बाय 2 kg मोर विद द अमाउंट, तो क्वांटिटी कितनी होगी भाई, उल्टी कर दो क्वांटिटी होगी 9:10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है, 1 यूनिट था बट वो कितना हो रहा है 2 kg कितने गुना 2 गुना, तो ये भी कितना हो गया 9 दूनी कितना हो गया भाई 18, और फाइनली कितना हो गया 2 × 10 कितना हो गया 20, क्लियर। सो अब मेरे पास क्या है, वो मेरे से क्या पूछ रहा है, बट द ओरिजिनल प्राइस, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, सो 500 प्राइस क्वांटिटी कितनी 18, तो कितना होगा 500, ₹250/9, 30 से कम आएगा और काफ़ी कम नहीं आएगा, ज़्यादा कम नहीं आएगा, 27.77 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज़ करिए इस क्वेश्चन को क्लियर। सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो इतने क्वेश्चन होने चाहिए, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। यस, अब बारी है बेटो माइक्रोवर्स की, एक बार इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको आराम से इजीली, कोई दिक्कत। चलिए देखिए जरा मुझे क्या दिया है, हो गया क्वेश्चन, चलो अब मैं चलता हूँ अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स की तरफ, जिसके लिए दिल था बेताब, है ना भैया आप हो मेरे साथ, है ना। चलो तो भैया बहनों, है ना, क्या डोरेमोन की याद आ गया, अरे नहीं भाई, हैं, चलो
माइक्रोवर्स क्या है, अब सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हाट इज दिस। अब अगर मैं आपसे ध्यान से बेटा बात करूँ, माइक्रोवर्स क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि देखो यार, 2-2 हज़ार, 25-2500 रुपये में यार कोर्स मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लो, आई डोंट केयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 700-800 जितना ही मिल रहा है भाई ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब होते है? जब पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती। आप खुद सोचो यार, कोई बंदा आपको 1000-2500 में पूरा कोर्स दे रहा है कि कर लो जितने एग्जाम की तैयारी, आई डोंट केयर, जिसमें जो मर्जी हो कोई बात नहीं, तो क्या पर्सनल अटेंशन मिलेगी? सोच के देखो, आई डोंट थिंक सो। कितना बच्चा जुड़ रहा है, 10,000, 20,000, 25,000? मेरे पास आओ यार, माइक्रोवर्स में जो दिक्कत है मैं पर्सनली अटेंड करूंगा आप लोगों को, और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिर इधर उधर पूछते फिरोगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, सोल्यूशन होंगे जब भी समझ नहीं आते कई क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या काम आता, अभी पीडीएम माइक्रोवर्स, यहाँ पे जुड़ो मेरे साथ, मैं आपको वादा करता हूँ निराशा हाथ नहीं लगेगी। 100-150 रुपये में बढ़िया मौका है, बिकॉज इतना ही है, ज़्यादा स्पेंड ही नहीं करना, भरोसा करके देखो, ना पसंद आए तो भैया अगली बार मत लेना, यही हो सकता है, दो को और मना कर देना कि भैया कंटेंट अच्छा नहीं है, हमारे अटेंड नहीं करते, मत करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे पता है यहाँ पे क्या क्वालिटी है, आई नो व्हाट इज़ द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग, चाहे वो क्वेश्चंस की हो, चाहे वो लेक्चर्स की हो, चाहे वो आपके वेब नोट्स हो, चाहे वो आपकी PDF हो, चाहे वो आपकी कोई भी टॉपिक की क्वेश्चन की सीरीज हो। प्लस आपके पास यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, कोई आप कोर्स खरीदते हो ना, उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज करो आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, क्लियर, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो मैंने प्रॉफिट लॉस में क्या देखा, क्वेश्चंस जो मैं आपको पोर्टल पे प्रोवाइड करूँगा जब आप आओगे जुड़ोगे मेरे साथ, उसमें क्या होगा, उसमें उन क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे भी बच्चों दे सकते हो, फुल फ्लैश टेस्ट बन जाएगा। और डबल दूसरी बात क्या है, उस टेस्ट में आपको पर क्वेश्चन पे टाइमिंग्स भी लगी मिलेंगी कि किस क्वेश्चन पे कितना समय व्यतीत किया और कितना होना चाहिए था एवरेज टाइम, समझ आएगी बात। तो ये एक डिफरेंस है बाकियों में और अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स में, क्लियर है। तो मैं चलो आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान दे दूं, भैया है ज्ञान भी ज़रूरी है, ज्ञान ही है जो आपको आगे लेके जाएगा, हैं जी। चलो देखो, सबसे पहले लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल ही जाएगा, क्लियर है। बट अगर जाना हो, ये अभी pdf.menu.com है, देखो जरा UPSC में तो भैया हम ही हमें बताएं, स्टेट सिविल रेगुलेटरी बॉडी, डिफेंस, बैंकिंग है हमारे पास, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पंजाब गवर्नमेंट जॉब भी, अभी बीडा जूनियर सब है। मुझे बात करनी है SSC CGL की अभी, ठीक है, अभी के अभी जो मैं बात करूँगा उसकी बात करूँगा। देखिए, फिर मुझे जाना है वीडियो कोर्सेज पे, मेरे माइक्रोवर्स पे, आपको तो डायरेक्ट लिंक मिलेगा, बट अगर फिर भी थोड़ी जिज्ञासा हो जानने की तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या है, वी डोंट हैव एनी इंक्वायरी नंबर टिल नाउ, बट आपका खुद का नंबर हमारा इंक्वायरी नंबर है। कैसे, यहाँ पे अगर आप अपना 10 डिजिट का नंबर डालेंगे, या लिखेंगे कॉल मी और व्हाट्सएप, तो मेरी टीम आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए हर टाइम तैयार बैठी है, क्लियर है। मेरी टीम एक एक क्षण एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंड कर रही है, और वो करना भी है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जनरल स्टडीज़ है, और सब स्पेशल फॉर SSC एग्ज़ाम्स ही है, ठीक है। CGL है, कंप्यूटर जी का, कंप्यूटर भैया जो मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, मार्क्स तो चलो अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं, तो इन फ्यूचर क्या पता कहते हैं भैया इसके मार्क्स जुड़ेंगे, बच्चे इतना नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, तो क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, पूरा बंडल है 4405 का, 4405 का, आई डोंट केयर, मैं नहीं मानता कि इतने पैसे अभी खर्च करने चाहिए, वो चीज़ पे खर्च करो जो आपको चाहिए। पूरा कोर्स क्यों लेना मेरे भाई, जिसने खरीदना है वो खरीद भी सकता है, जिसने शुरू से करना है वो खरीद सकता है, बट जो ऑलरेडी बच्चा कर चुका है, वाई ही और शी हैज़ टू पे अ लार्ज अमाउंट, 4400 इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, क्लियर है। चलो ये रहा प्रॉफिट लॉस, देखो जरा अब मज़े की बात क्या है इसमें, दो तीन चीज़ें समझिए। सबसे पहली बात, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने भैया, कितना, 229 रुपये सिर्फ और सिर्फ, क्लियर है। इसमें क्या है, 9 धमाकेदार वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास, 4 वेब नोट्स हैं, मतलब सारी आपको थियोरेटिकल पार्ट, और 582 क्वेश्चंस, मतलब दीज आर ऑलमोस्ट वेरी बिग डेटा। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत बड़ा डेटा आपके पास, 229 रुपये में क्या क्या मिल रहा है, 9 तो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 9 लेक्चर्स, 300 रुपये का भी लेक्चर नहीं बैठा, समझ रहे हो, उसके ऊपर वेब नोट्स भी, और आपके पास MCQs भी। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट अभी PDF माइक्रोवर्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बॉक्स में
उसको भी आप यूज़ कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा और उसके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।